हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम शिवरंजन प्लान्स। व्यूअर्स, ये 40x50 का घर है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह का वर्क चल रहा है। ओके, सो व्यूअर्स, ये 40x50 का है। इसका मार्कआउट का दिया था मैं, एक प्लान है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वेल बोरवेल RCC का ही वर्क किया गया है, फुल कंप्लीट। इनर टू इनर 4x4 ऐसा कुछ है, 4x4.5, थोड़ा सा ज़्यादा लिया गया। एंड एक एक कॉलम के अंदर 20 mm का रॉड इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर देखते हैं 9x18 का कॉलम लिया गया यहाँ पर, और 6, 7, 8 रॉड लिया गया। ओके, राजौरी ब्रांड का है ये। एंड ये फुल कंप्लीट जितना भी है, पार्किंग से आप एंटर होते हैं, यहाँ पर आपका हॉल का मेन एंट्रेंस आ जाएगा। पूरे जितने भी यहाँ पर लिया गया वो 9x18 के ही कॉलम, थोड़ा सा बड़ा लिया गया। और यहाँ पे हॉल, फिर वहाँ पे किचन कम डाइनिंग एरिया, पूजा रूम भी आ जाएगा, और उधर जो है स्टेयरकेस उस तरह का पैटर्न। एंड यहाँ पर जो सेप्टिक टैंक लिया गया है, फुल कंप्लीट RCC का ही सेप्टिक टैंक, तो बहुत ही बड़ा है सेप्टिक टैंक। देखिएगा, जब भी आप सेप्टिक टैंक मारते हैं तो रोड लेवल बेसमेंट हाइट से भी 2 फुट 1.5 फीट नीचे लेके टोटल में 8 फीट रहना चाहिए। एंड इनर टू इनर यहाँ पे जो दिखाई देगा वो है 4x5x9x10 तक दिख रहा है, ये जो सेप्टिक टैंक लिया गया फुल RCC का वर्क, 10 mm का रॉड। ओके, 10 mm का रॉड लिया गया यहाँ पे। एंड ये बीच में आया हुआ कॉलम्स, पिट का साइज जो है 4x4 लिया गया यहाँ पर, 4.5x4.5। और वो ऑफसेट एरिया, तो 9x18 के कॉलम के अंदर ऐसा रॉड का लिया गया साइजेस। सही तरीके से कवरिंग देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको ही दिक्कत हो जाएगा, है ना दोस्तों। यहाँ पर हो सके तो और 2 शॉप भी लिया जा सकता है, डिपेंड। ओके, डिपेंड ऑन द ओनर, 2 शॉप, फिर यहाँ पे इधर किचन कम डाइनिंग एरिया, इधर सामने आप शॉप भी ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर। इतना टोटल कंस्ट्रक्ट करने में भी आपको लगभग 15, यहाँ तक जितना वर्क हो चुका है, जो मटेरियल यहाँ पर डाला गया वो आपके लिए अराउंड 5 लाख रुपीज़ का तो आराम से खर्चा हो जाएगा। ओके,
इसी के साथ वीडियो यहाँ पे स्टॉप करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।